नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट के कुछ फीचर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और अगर आप चाहते हो कि आप अपने डेबिट कार्ड की दोस्तों ये लिमिट होती है वो आप कैसे कम बढ़ कर सकते हो, कैसे आप उसे बढ़ा सकते हो, कैसे आप उसकी लिमिट को कम कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि घर बैठे दोस्तों आप उसकी लिमिट को कम बढ़ कर सको तो कैसे आप कर सकते हो, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिससे दोस्तों क्या होगा कि अगर आपके अकाउंट पे आपके डेबिट कार्ड से दोस्तों लिमिट होती है, चाहे आप ATM में पैसे निकालो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, उसकी लिमिट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है और आप चाहते हो कि वो लिमिट कम हो जाए। क्योंकि दोस्तों क्या सीन होता है कि हमारे डेबिट कार्ड से दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो कभी कभी यूज करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप उन्हें मना भी नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो कि उसकी लिमिट कम हो जाए तो आप उसकी लिमिट को घर बैठे ही अपने मोबाइल से कम कर सकते हो। आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप अपने मोबाइल से ही उसकी लिमिट को कम कर सकते हो। और दोस्तों आप अपने डेबिट कार्ड की लिमिट को कम करके आप जितनी लिमिट आप उसमें सेव करोगे उतने ही पैसे आपके ATM कार्ड से ट्रांजैक्शन हो पाएंगे। उससे ज़्यादा दोस्तों एक भी पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटेगा, नहीं निकलेगा। तो कैसे कर सकते हो जो मैं आपको आज वीडियो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कोटक महिंद्रा बैंक एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए सबसे नीचे ऑप्शन आता है सर्विस रिक्वेस्ट, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है डेबिट कार्ड स्पेंड कार्ड, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ काफ़ी सारे आपके साथ ऑप्शन आते हैं। अब आपको जाना है कार्ड कंट्रोल में। ये देखिए, आप ध्यान से वीडियो देखना क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप समझ नहीं पाओगे। कार्ड कंट्रोल में आ गए, आपको दोस्तों अपना ये आईडी है इसमें डाल देना है क्योंकि ये बिना आईडी के ये ओपन नहीं होता है। तो मैंने दोस्तों फिंगरप्रिंट से इसे अनलॉक किया है। दोस्तों आपको जाना है कार्ड कंट्रोल में। कार्ड कंट्रोल में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपका जो कार्ड है वो किस तरह का वो शो होगा। कार्ड स्टेटस दोस्तों इनेबल है, आपका कार्ड है ये देखिए, क्लासिक कार्ड है आपका, जो आपके कार्ड के लास्ट चार डिजिट हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब दोस्तों आपको करना है, आपको नीचे आना है, सबसे नीचे दोस्तों देखिए लिखी हुई है लिमिट मैनेजमेंट कंट्रोल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए आपके जो डेबिट ATM कार्ड है आपके अकाउंट से मिला है आपको, उसमें जिस तरह की भी लिमिट दी गई है वो यहाँ पर शो हो रही है। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ से आप इन्हें एडिट पे जाके किसी भी लिमिट को कम कर सकते हो, या पहले से दोस्तों कम है तो आप उसे इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ ATM लिमिट, यानी दोस्तों अगर आप ATM से पैसा निकालते हो कितना निकाल सकते हो, तो यहाँ पर दोस्तों दिखा हुआ 25,000। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी डेली की लिमिट कम हो, यानी इससे कम हो, अगर कोई कार्ड आपका जो कार्ड है कोई और यूज कर रहा है करता है और नहीं आप नहीं चाहते कि आप ज़्यादा वो ज़्यादा पैसे निकाल पाए, तो दोस्तों आप पहले से ही अपने कार्ड की लिमिट जो है कम बढ़ कर सकते हो इस तरीके से। देखिए मैं कर रहा हूँ रेड लाइन को कम बढ़ आगे पीछे करके, तो आप जितनी भी कर दोगे और सेव कर दोगे तो उतनी ही पैसे एक दिन में आपके अकाउंट से निकलेंगे आपके उस डेबिट कार्ड से। इससे क्या हुआ कि अगर आपका कार्ड को यूज करता ले रहा है तो दोस्तों वो आपसे ये भी नहीं बोल पाएगा कि इतने ही पैसे निकल पाए हैं, ज़्यादा क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि आपके कार्ड की लिमिट ही इतनी है। तो ये एक फ़ायदा है। और आपकी लिमिट पहले से कम है तो आप उसे लास्ट में जाकर 25,000 तक कर सकते हो और सेव कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक फ़ायदा है। इस तरीके से दोस्तों आप अपने कार्ड की लिमिट कम बढ़ा सकते हो, चाहे आप ATM लिमिट करो या कुछ भी, जो भी यहाँ पे एडिट के ऑप्शन आ रहे हैं उन लिमिट को दोस्तों आप जितने भी एक दो तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं, चार लिमिट में आप कोई सी भी लिमिट को कम बढ़ कर सकते हो। तो ये तरीका दोस्तों आपको आपके कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन में अंदर जाने के बाद आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको तरीका अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।